मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ, एक पीला गमछा लगा लो, इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। हमारे विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप जी हैं, उनको थाने में बुलाया गया और उनके साथ अपत्रता की गई और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के एक नेता की पुलिस ने जमकर खातिरदारी की है। थाने पहुंचे पार्टी के नेता संतराम कश्यप का पीला गमछा और मोबाइल पुलिस वालों ने छीन लिया। इससे कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हैं। बता दें कि योगी सरकार में मंत्री बनने के बाद ओम प्रकाश राजभर का एक बयान काफी वायरल हुआ था। इस बयान में उन्होंने कहा था कि थाने जाओ तो सफेद गमछे की जगह पीला गमछा गले में डाल कर जाओ, पुलिस को तुम्हारे चेहरे में ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। दारोगा जी, एसपी और डीएम की इतनी औकात नहीं जो मुझे फोन लगाए। दरअसल मामला फरखाबाद के नवाबगंज थाने का है। यहाँ पार्टी के नेता का मोबाइल और पीला गमछा पुलिस ने जब्त कर लिया। इस घटना के विरोध में सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूँ किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं एक पीला गमछा लगा लो, 20-25 रुपए का मजार बाजार में मिलेगा, इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं, और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजे लेगा कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है, आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। क्या नाम है आपका? संजय कश्यप, भारतीय समाज पार्टी जिला अध्यक्ष फरुखाबाद। अच्छा, थाना घेराव क्या मामला है पूरा? थाना घेराव हमारे विधानसभा अध्यक्ष संतराम कश्यप जी हैं, उनको थाने में बुलाया गया और उनके साथ अपत्रता की गई और हमारी पार्टी का गमछा और उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। ये पार्टी के बारे में उन्होंने बहुत अपत्रवा यहाँ टिप्पणी की है और हम जब थाना अध्यक्ष जी से बात करने आए हैं तो उनकी भी भाषा गलत निकली। अगर आपकी समस्या का निस्तारण हुआ तो क्या? अगर हमारी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो थाने में हम बैठ जाएंगे, धरने पे बैठेंगे। अभी तो धरने पे हैं? अभी तो धरने पे नहीं, अभी तो हम सिर्फ यहाँ अपनी समस्या का समाधान कराने आए। अगर थाना इंचार्ज घेराव घेराव करने आए, थाना इंचार्ज मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे।